देवउठनी एकादशी आ रही है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं तुलसी विवाह कराते हैं उस दिन, अति उत्तम होता भी तुलसी विवाह उसी दिन है। लेकिन एक बात जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जब तुलसी माता का आप विवाह कर देते हो तो उस तुलसी माता को आपको अपने घर पे नहीं रखना है, उनको विदा करना भी आवश्यक है। संपूर्ण तुलसी विवाह का फल आपको तभी प्राप्त होता है, विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप पूरी विधि भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी पूरी विधि भी बताऊंगी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप तुलसी का विवाह करते हैं तो उनको अपने घर से विदा करना होता है, क्योंकि तुलसी को जो है हम एक बिटिया समझकर उसका कन्यादान करते हैं। तो उनको अपने घर से विदा कीजिए, मंदिर में छोड़ के आइए, कहीं जाके लगा के आइए, किसी को नीड हो तो उनको दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, जिनको जरूरत हो, जिनके घर पे तुलसी ना हो उनको दीजिए। तो अगर आप तुलसी विवाह पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।